वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू पंजाब भर के तमाम सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स के वाले से और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन्स के वाले से। जो एडमिशन पोर्टल है वो अवेलेबल हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर। अलग अलग जो पोर्टल है मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए और डेंटल कॉलेज के एडमिशन के लिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का अलग अलग जो है वो पोर्टल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां पर जो स्टूडेंट जो है वो आज से यानी 16 अक्टूबर से लेकर जो है वो 31 अक्टूबर 2023 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ मालूम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ज़रूरी हदायत भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जो है वो पोर्टल दोनों के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का पोर्टल भी आपको अवेलेबल होगा और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का पोर्टल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आपके सामने जो है वो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पर आपने अपने ईमेल और पासवर्ड के जरिए जो है लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप साइन अप करेंगे। तो ये आपको इस हवाले से ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी हिदायत आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो एक आधा दिन जो है वो वेट करना चाहिए एडमिशन के हवाले से। फिल फॉर जो है वो अप्लाई नहीं कर देना चाहिए। अगर किसी भी किस्म का वेबसाइट में कोई बग होगा, कोई इसमें क्रैश होगा, तो वो सबसे पहले जो है वो दूर हो जाएगा और आपको जो ज़रूरी मालूमात हैं, ज़रूरी हिदायत हैं, वो भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन इस वाले से जो है वो मिल जाएगी। और अभी जो है वेबसाइट पर लोड जो है वो काफ़ी होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा होगा तो आपको जो है वो अप्लाई करने के दौरान भी मसाइल जो है वो पेश आ सकते हैं। बेहतर यही है कि एक आधा दिन जो है वो वेट कर लिया जाए, क्योंकि जो अप्लाई करने की तारीख है वो 31 अक्टूबर यानी 2 हफ्ते जो है वो 2 हफ्तों तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जब आपने प्रेफरेंस देनी है तो उसमें जो है वो आपने तमाम के तमाम जितने अवेलेबल आपके कॉलेजेस होंगे उनको आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, और साथ में आपने जो है वो रेसिप्रोकल सीट्स को भी जो है वो उसमें भी सिलेक्ट करना है। तो तमाम जो चीज़ों में जो सीटों पर जो है वो आपको अवेलेबल होंगी, उन पर अप्लाई करना है ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का जो है दुश्वारी या रिग्रेट इस हवाले से जो है वो फील ना हो। तो जैसे मैं इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वो एक आधे दिन के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन पोर्टल के हवाले से। एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर, अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे कि वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।